हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके नाइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ें अपडेट कराई जाती हैं। तो इस वीडियो में भी सभी लेटेस्ट न्यूज़ें हैं जो आज के न्यूज़पेपरों में छाई हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करना और उसके साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसको ज़रूर क्लिक करना वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के लिए घेराव किया गया। परीक्षार्थियों ने कहा, सचिव के आश्वासन के बाद भी परिणाम घोषित नहीं। और दूसरी बड़ी खबर है, सिपाही भर्ती यानी एसएससी जीडी में 5637% उपस्थित। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के दोबारा मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि सचिव परीक्षा नियामक बार बार आश्वासन देता है कि जल्द परिणाम घोषित किया जा रहा है, इसके बाद भी लगातार 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी परिणाम की घोषणा नहीं हुई। सचिव की ओर से बीते सप्ताह परिणाम घोषित किए जाने के आश्वासन के बाद भी परिणाम की घोषणा नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। तो 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट न्यूज़ थी और एसएससी जीडी में 5637% उपस्थित रहे अभ्यर्थी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए सोमवार को ही परीक्षा में 56.37% उपस्थित रहे। एसएससी मध्य क्षेत्र की ओर से हुई परीक्षा में उत्तर प्रदेश में पहली, दूसरी और चौथी पाली की परीक्षा में पंजीकृत 50,825 परीक्षार्थियों में से 28,922 और बिहार में पहली, दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा में पंजीकृत 20,685 परीक्षार्थियों में से 11,389 उपस्थित रहे। तो एसएससी जीडी की लेटेस्ट न्यूज़ थी। और यहां पर लेटेस्ट न्यूज़ है यूपीपीएससी को लेकर, डेंटल सर्जन के 33 पदों पर होगी भर्ती। तो यहाँ पर आपके लिए एक सुनहरा मौका है डेंटल सर्जनों के लिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत डेंटल सर्जन के 33 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए आयोग ने सोमवार को इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया। इंटरव्यू 25 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी इंटरव्यू आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इंटरव्यू 25, 26, 27, 28 फरवरी को सुबह 9 बजे से होगा। तो ये यूपीपीएससी की लेटेस्ट न्यूज़ थी। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है शिक्षकों का आज होने वाली शांति मार्च स्थगित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के समर्थन में 8वें आक्टा की ओर से 12 फरवरी को प्रस्तावित शांति मार्च अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। कुछ खास नहीं है इस खबर में। और आज की लेटेस्ट न्यूज़ में है, असली परीक्षा आज शामिल होंगे 58 लाख परीक्षार्थी। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अनिवार्य विषय हिंदी और सामान्य हिंदी की होगी परीक्षा। तो 7 फरवरी को शुरू हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद अब 12 फरवरी को यूपी बोर्ड की असली परीक्षा होगी। मंगलवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की अनिवार्य विषयों की परीक्षा है। इसमें सबसे अधिक 58 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहली पाली में हाई स्कूल में हिंदी, प्रारंभिक हिंदी और इंटरमीडिएट में बीमा, सिद्धांत एवं व्यवहार, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली के 32.08 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट में हिंदी एवं सामान्य हिंदी में 26.27 लाख परीक्षार्थी हैं। तो इंटरमीडिएट की हाई स्कूल की परीक्षा को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ था। और यहाँ पर बड़ी खबर है, सभी प्रश्न पर लिखना होगा रोल नंबर कोड। ठीक है, ये विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है। यूपी बोर्ड सचिव के मुताबिक पहली बार परीक्षार्थियों को अब उत्तर पुस्तिका के हर प्रश्न पर रोल नंबर और कॉपी के प्रथम प्रश्न पर दर्ज कॉपी कोड को लिखना होगा। बोर्ड की ओर से पहली बार परीक्षा में सभी 75 जिलों में कोडिंग वाली कॉपी प्रयोग में लाई जा रही है। इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद कॉपी बदले जाने पर रोक लगेगी। तो ये विशेषकर के ध्यान रखने वाली बात है, सभी प्रश्नों पर रोल नंबर और कोड लिखना होगा। और भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती, सीबीआई जांच का आदेश खारिज। ये बड़ी खबर है, राज्य सरकार को बड़ी राहत। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस समेत 2 जजों की पीठ ने एकल पीठ का फैसला पलटा।
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वाली दो जजों की पीठ ने वर्ष 2018 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच के एकल पीठ में आदेश को खारिज कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ की एकल जज के फैसले को हाईकोर्ट के अपील की थी। हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर 2018 को ही इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच कर रहे अफसर दागी पाए जा रहे हैं विभाग से, और केवल इस आधार पर मामले की जांच सीबीआई को नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि धांधलियों की जांच के लिए राज्य सरकार की 3 सदस्य कमेटी के 2 सदस्य परीक्षा प्रक्रिया तय करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग से थे। जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस मनीष माथुर ने फैसले में कहा कि प्रदेश सरकार के अफसरों द्वारा की जा रही जाँच के उद्देश्य पर सारस्य नहीं किया जा सकता। 63,500 शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है, शिक्षक भर्ती पेपर लीक पर जवाब तलब। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पेपर लीक मामले में राज्य सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका पर 8 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने प्रदीप कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आधार पर नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका पर योगेश अग्रवाल और सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमित मनोहर ने बहस की। 63,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ था। और भी लेटेस्ट न्यूज़, स्थापना दिवस पर गौरवशाली परंपराओं को किया गया याद, उपाध्यक्ष गवर्निंग काउंसिलिंग के पदों पर मतगणना जारी। तो आज के न्यूज़ पेपर में यही लेटेस्ट न्यूज़ थी जो हमने आपको अपडेट करा दी है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।